तो हाय गाइस, ये यामाहा पर हम छोटा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसका एक पार्ट है आरसीबी का, ये शायद कौन मास्टर सिलेंडर विद बेटरी वाले के साथ आरसीबी का, जो ये वाला चीज है आप लोगों को शायद इसके बारे में पता है थोड़ा विस्तार। तो ये है ऑयल कंटेनर, ये एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल बेटरी बार, फ्रंट बेटरी बार। इसको आप इधर आ जाओ, इधर भी 5 mm का ऐलन की है और इसके पीछे 10 mm का नाट है। इसको लूज करके इसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ताकि ये जब अगर ये एक्सीडेंट होगा तो ये प्रेशर से ये आपकी तरफ आ जाएगा, ये टूटने का चांस कम रहेगा। ओके, और दोस्तों और दूसरी बात है, इसको एडजस्ट आप मैनुअली हाथ से इसका ब्रेक प्रेशर एडजस्ट कर सकते हो। पंचिंग लेवल, इसको दूर देने से आपका हाथ का डिस्टेंस एडजस्ट होता है। जिसका हाथ का पंजा छोटा हो उसके लिए फ्रंट पोजीशन पर एक्टिवेट होगा पंचिंग लेवल। दोस्तों और दोस्तों ये है रियर ब्रेक स्विच, सॉरी फ्रंट ब्रेक स्विच, ये रियर पोजीशन पर एक्टिवेट होता है बेंजो वॉशर के साथ। इसका ऑयल प्रेस होने से ये एक्टिवेट कंटिन्यूटी मोड आता है। ओके दोस्तों, तो ये देखने में बहुत खूबसूरत। और दोस्तों इसका एक यूनिक थिंग से, जो नॉर्मल मास्टर सिलेंडर पर वो ऐसे साइड से प्रेस होता है, मेजर किट जिसको बॉकेट कहते हैं गैरेज की भाषाओं में, तो मेजर किट साइड से प्रेस होता है, ये सामने से प्रेस होता है। ठीक है दोस्तों, ये है फ्रंट मेजर किट। ठीक है, इसका आपके हाथ के अनुसार अपने तरफ ये प्रेसिंग होता है। तो इसका पंचिंग लेवल बहुत मच बेटर देन प्रीवियस नॉर्मल मास्टर सिलेंडर, और देखते में भी खूबसूरत। आप ये यूनिवर्सल है, कोई भी बाइक पर कोई भी स्कूटर पर ये इंस्टॉल कर सकते हो आप लोग। तो आज हम ये एरॉक्स पर, जिस पर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं छोटा बहुत, टोटल कॉम्प्लीट होने के बाद छोटा सा क्लिप दूंगा। इसका वायरिंग भी जल गया था थोड़ा प्रॉब्लम के लिए, तो वायरिंग फिर से हमने अपने हाथों से री इंस्टॉल किया। तो दोस्तों आज इसका ऊपर सेटिंग होगा, तो सेटिंग होने के बाद ये कैसे एक्टिवेट होता है तो आप लोगों को दिखाऊंगा। चलो कीप वॉचिंग, ये सेटिंग होने के बाद फाइनल लुक दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलो कीप वॉचिंग, इसके पावर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो चलो